चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मोनपा पर, जो कि एक हस्त निर्मित कागज निर्माण कला है और यह उत्तर पूर्व भारत, खासकर अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि मोनपा भारत के अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली एक जनजाति है, जो त्वांग जिले और पश्चिमी कामेंग जिले में बसे हुए हैं। इस समुदाय के कुछ लोग तिब्बत और भूटान में भी रहते हैं। आइए देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अरुणाचल प्रदेश के त्वांग में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य मोनपा कला को पुनर्जीवित करना, स्थानीय युवाओं को इस कला के माध्यम से पेशेवर रूप से जोड़ना और उनको धन अर्जित करवाना है। पूर्व में मोनपा का उत्पादन इतने बड़े स्तर पर होता था कि इन कागजों को तिब्बत, भूटान, थाईलैंड और जापान जैसे देशों में बेचा जाता था, क्योंकि उस समय इन देशों के पास कागज उत्पादन का कोई उद्योग मौजूद नहीं था। हालांकि धीरे धीरे स्थानीय उद्योग में गिरावट दर्ज होने लगी और स्वदेशी हस्त निर्मित कागज के स्थान पर निम्न स्तरीय चीनी कागज ने अपना कब्जा जमा लिया। शुरुआत में इस कागज यूनिट में 9 कारीगरों को लगाया गया है, जो प्रतिदिन मोनपा हस्त निर्मित कागज के 500 से 600 शीट्स का उत्पादन कर सकते हैं। केवीआईसी अध्यक्ष के निर्देश पर त्वांग में कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर के वैज्ञानिकों और अधिकारियों की एक टीम को इस यूनिट की स्थापना करने और स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए तैनात किया गया था। 6 महीने से ज्यादा के कठोर परिश्रम का फल प्राप्त ये हुआ कि त्वांग में इस यूनिट की शुरुआत हो गई। कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट केवीआईसी की ही एक इकाई है। क्या है मोनपा हस्त निर्मित कागज? मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण कला की शुरुआत 1000 वर्ष पूर्व हुई थी और धीरे धीरे यह कला अरुणाचल प्रदेश के त्वांग में स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गई। एक समय में इस हस्त निर्मित कागज का उत्पादन त्वांग के प्रत्येक घर में होता था और यह स्थानीय लोगों के लिए उनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत था। पिछले 100 वर्षों से यह हस्त निर्मित कागज उद्योग लगभग गायब हो चुका था, जिसने केवीआईसी को इस प्राचीन कला का पुनरुद्धार करने की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। उत्कृष्ट बनावट वाला यह हस्त निर्मित कागज त्वांग की स्थानीय जनजातियों के जीवंत संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, जिसे स्थानीय भाषा में मोनसुगु कहा जाता है। इस कागज का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि यह बौद्ध मठों में धर्म ग्रंथों और स्तुति गान लिखने के लिए उपयोग किया जाने वाला कागज है। इस हस्त निर्मित कागज उद्योग का पुनरुद्धार करने का एक प्रयास 1994 में भी किया गया था। केवीआईसी अधिकारियों के लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम त्वांग के दुर्गम पहाड़ी इलाकों और खराब मौसम वाली स्थिति में मशीनों को वहां तक लेकर जाना था। अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस परियोजना को पूरा समर्थन प्रदान किया गया और यूनिट स्थापित करने के लिए मामूली किराए पर एक इमारत प्रदान की गई। मोनपा हस्त निर्मित कागज शुंगू शेंग नामक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाता है, जिसका अपना औषधिक मूल्य भी है। इसलिए इस कागज के लिए कच्चे माल की उपलब्धता की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। हालांकि चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन इन चुनौतियों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग दूर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यह कला न केवल पारंपरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका वाणिज्यिक महत्व भी है। इसकी विशिष्टता के कारण इस हस्त निर्मित कागज का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है, जिसका उपयोग अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय रोजगार उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। मोनपा हस्त निर्मित कागज के उत्पादन को बढ़ावा देकर इसे फिर से दूसरे देशों में निर्यात किया जा सकता है और पिछले कुछ दशकों से चीन द्वारा कब्जा की गई जगह को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यह महान वैश्विक क्षमता वाला एक स्थानीय उत्पाद है, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए
वोकल फॉर लोकल के साथ जुड़ा हुआ है। मोनपा हस्तनिर्मित कागज यूनिट स्थानीय युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेगी। केवीआईसी न केवल इसको विपणन सहायता प्रदान करेगा, बल्कि स्थानीय रूप से निर्मित हस्तनिर्मित कागज के लिए बाजार भी तलाश करेगा। केवीआईसी की योजना देश के विभिन्न इलाकों में इस प्रकार की अन्य इकाइयों की स्थापना करने की है। केवीआईसी द्वारा त्वांग में अभिनव प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित कागज का उत्पादन भी शुरू किया जाएगा, जो कि इस क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे में कमी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। त्वांग को अन्य स्थानीय कलाओं के लिए भी जाना जाता है। हस्तनिर्मित कागज के अलावा त्वांग को दो अन्य स्थानीय कलाओं जैसे हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तन और हस्तनिर्मित फर्नीचर के लिए भी जाना जाता है, जो कि समय के साथ विलुप्त होते जा रहे हैं। 6 महीने के अंदर इन दोनों स्थानीय कलाओं के पुनरुद्धार के लिए योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तनों का पुनरुद्धार बहुत जल्द ही शुरू किया जाएगा। अब देखेंगे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण कला का संबंध भारत के किस राज्य से है? विकल्प ए मणिपुर, विकल्प बी अरुणाचल प्रदेश, विकल्प सी मिजोरम, विकल्प डी मेघालय। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प डी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.